और चलिए आपको बताते हैं कि चौथे चरण में किस तरह सीटों पर मुकाबला है और किनके किनके बीच में ये चुनावी दंगल है। मथुरा प्रसाद महतो और बीजेपी ये टुंडी से आमने सामने, जबकि सबा अहमद भी इन्हें टक्कर देते हुए नजर आएंगे। राजकिशोर महतो भी नजर आएंगे चुनावी टक्कर देते हुए। तो कहीं ना कहीं मुकाबला मुख्य रूप से आमने सामने का नजर आ रहा है, लेकिन ये दो और प्रत्याशी इसे चतुर्कोणीय मुकाबला बनाने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। सिंदरी की बात कर लें तो फूलचंद मंडल हैं जेएमएम से, इंद्रजीत महतो हैं बीजेपी से, इनके बीच ही मुख्य चुनावी मुकाबला देखा जा रहा है। लेकिन सदानंद महतो आजसू से और आनंद महतो जेवीएम से, ये यहाँ पर मुकाबले को दिलचस्प बनाते हुए नजर आ रहे हैं। वही निरसा में त्रिकोणीय मुकाबला नजर आ रहा है। अरूप चटर्जी, अशोक मंडल, अपर्णा सेन गुप्ता के बीच यहां मुकाबला है। काफी समय से निरसा में मासस का कब्जा रहा है और उसे तोड़ने के लिए पूरी कोशिश करती हुई बीजेपी और जेएमएम नजर आ रही है। और ये मधुपुर का चुनावी दंगल आप देख रहे हैं। राज परिवार यहां से जो मंत्री भी राज्य सरकार में रहे, उनका मुकाबला हाजी हुसैन अंसारी जेएमएम से होगा। वहीं आजसू ने भी यहां से अपना प्रत्याशी दिया है, गंगा नारायण सिंह और सईम खान जेवीएम के कैंडिडेट हैं, जो इस मुकाबले को दिलचस्प बनाते हुए दिख रहे हैं। लेकिन यहां पर भी माना जा रहा है कि मुख्य मुकाबला बीजेपी और जेएमएम के बीच ही होगा। झरिया की बात करें तो यहां पर दो महिलाएं आपस में भिड़ती हुई, एक ही परिवार की, पूर्णिमा नीरज सिंह का मुकाबला रागनी सिंह के साथ देखा जा रहा है, जबकि योगेंद्र यादव जेवीएम से चुनावी दंगल में हैं। अवधेश यादव भी हैं चुनावी मैदान में। और अब जमुआ की जंग देख लेते हैं। यहाँ जसू से सत्यनारायण दास है, बीजेपी से केदार हाजरा और मंजू कुमारी कांग्रेस से हैं। चंद्रिका मेहता भी यहाँ पर चुनावी दंगल में नजर आ रहे हैं। तो यहाँ भी मुकाबला काफी दिलचस्प रंग लेता हुआ दिख रहा है। जनता किस पर मुहर लगाती है ये 23 तारीख को पता चलेगा। और अब बोकारो की जंग देख लेते हैं कि चौथे चरण का दंगल यहां पर कैसा है। ये चार तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, इनके बीच में ही यहां पर मुख्य मुकाबला माना जा रहा है। कांग्रेस की श्वेता सिंह है, इन्हें बाद में बदला गया, पहले कांग्रेस से बोकारो से किसी और को प्रत्याशी बनाया, बाद में उनके नाम को चेंज करके श्वेता सिंह यहां से उम्मीदवार बनाई गई। वहीं बीजेपी ने एक बार फिर से बिरंची नारायण पर भरोसा जताया, तो जेवीएम से डॉक्टर प्रकाश सिंह यहां पर ताल ठोकते हुए दिख रहे हैं। वहीं राजेंद्र महतो भी चुनावी मैदान में है। हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं इस तमाम अपडेट के साथ और चुनावी तैयारियों पर उनसे बातचीत करेंगे। शहनवाज निरसा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही राकेश बोकारो से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बोकारो का रुख करते हैं। राकेश, दिलचस्प जंग है चौथे चरण में, तैयारियां प्रशासनिक स्तर पर मुकम्मल दिख रही हैं, क्या फिलहाल अभी अपडेट है, क्या वहां से तस्वीरें आप लोगों ने देखी आज? देखिए, जो पोलिंग पार्टी है उनको मतदान केंद्रों तक रवाना कर दिया गया है। प्रशासनिक स्तर पर जो तैयारी है आसिया, वो प्रशासन के तरफ से दावा किया जा रहा है कि मुकम्मल व्यवस्था की गई है, सुरक्षा को लेकर तमाम तरह के प्रिकॉशंस मेजर्स किए गए हैं। और एक खास बात जो बोकारो विधानसभा क्षेत्र में है, इस बार मोहल्ला कमेटी को भी लगाया गया है आसिया, यानी सुरक्षा में मोहल्ला कमेटी का भी विशेष योगदान होगा। जो स्थानीय प्रशासन है, जिला प्रशासन है, उनके साथ उनका कोऑर्डिनेशन होगा, क्योंकि एक बड़ा विधानसभा क्षेत्र है, लगभग 500 ज्यादा बूथ है, तो इस लिहाज से देखें तो मोहल्ला कमेटी की जो भूमिका है वो अहम हो जाती है। तो यहां मोहल्ला कमेटी को भी सुरक्षा के दृष्टिकोण से लगाया गया है। कहीं से भी अगर कोई सूचना आएगी तो वो स्थानीय प्रशासन को सूचित करेंगे, तो उनका एक अहम रोल रहेगा इस पूरे चुनाव में। जहां तक दंगल की बात है, सियासी समीकरण की बात है आसिया, तो दिलचस्प मुकाबला बोकारो में देखने को मिल रहा है। तस्वीर जो है वो बिल्कुल साफ नहीं है। यहां हर कोई बिल्कुल जीतने
आप कह सकते हैं कि कोई भी कैंडिडेट ऐसा नहीं है जो ये ताल ठोककर कह सके कि वो जीतने की स्थिति में है। तमाम दलों ने यहाँ प्रत्याशी दे रखा है। बीजेपी ने फिर से जो उनके पुराने विधायक हैं वीरंची नारायण, उन पर दाव लगाया है। पिछले बार वो रिकॉर्ड मतों से पूरे झारखंड में 81 विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा मतों से वो जीतने वाले कैंडिडेट थे। लगभग 72,000 मतों से वो चुनाव जीते थे। तो उस लिहाज से देखें तो उनकी पकड़ 2014 में जिस तरीके की थी आसिया, इस बार वो चीजें नजर नहीं आ रही है। उनको कहीं ना कहीं कांग्रेस से आप कह सकते हैं कि कांग्रेस जो है वो उनको प्रतिद्वंदी के तौर पर कांग्रेस सामने है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें तो आसू ने भी यहाँ कैंडिडेट दे रखा है। उनके जो उम्मीदवार हैं वो भी सियासी गणित बदलने की आप कह सकते हैं हैसियत में है। दूसरी तरफ आप देखें तो झारखंड विकास मोर्चा से भी डॉक्टर प्रकाश को इस बार चुनावी मैदान में उतारा गया है। पेशे से वो प्रोफेसर हैं। उनके बारे में भी कहा जा रहा है कि लोगों के बीच एक अच्छी पकड़ उनकी रही है और एक साफ सुथरी छवि होने के नाते वो भी गणित जो है वो किसी का भी बिगाड़ सकते हैं। दूसरा तीसरा जो एक बड़ा नाम जिसे पहले कांग्रेस ने दाव लगाया था संजय कुमार पर, हालांकि बाद में जब पार्टी ने उनका टिकट हटाकर जब श्वेता को दिया तो वो निर्दलीय चुनाव में आ गए हैं, तो वो भी खेल बिगाड़ने की स्थिति में है। तो इस तरीके से अगर पूरे होल बुकारों को आप देखें आशिया, तो बड़ा दिलचस्प मुकाबला है। कोई इस स्थिति में फिलहाल नजर नहीं आ रहा है कि वो ये ताल ठोक कर कह सके, ये कॉन्फिडेंट के साथ कह सके कि वो चुनाव जीतने की स्थिति में है। तो जबरदस्त मुकाबले के आसार नजर आ रहे हैं। बगल का अगर विधानसभा क्षेत्र देखे चंदन क्यारी, तो वहां त्रिकोणीय मुकाबले के आसार नजर आ रहे हैं आसिया। वहां से अमर बावरी जो कि झारखंड सरकार में मंत्री हैं, उनकी प्रतिष्ठा कहीं ना कहीं दांव पर है। दूसरी तरफ आसू ने वहां से उमाकांत रजक को चेहरा बनाया है जो वहां का रिप्रेजेंटेशन पहले कर चुके हैं, पूर्व विधायक रह चुके हैं। इसके अलावा विजय रजवार जो कि महागठबंधन के उम्मीदवार हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने उनको चेहरा बनाया है। तो एक जब वहां भी त्रिकोणीय मुकाबले के आसार नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर तस्वीर बहुत बोकारो की बहुत क्रिस्टल क्लियर नहीं है, चाहे बोकारो की बात कर ले या नजदीक के जो चंदन क्यारी विधानसभा क्षेत्र है उसकी बात कर ले। मुकाबला जबरदस्त है, कांटे की टक्कर है और एक अच्छे कॉन्टेस्ट की उम्मीद की जा रही है आसिया यहाँ। चलिए राकेश, लौटेंगे आपके पास निरसा से। हमारे सहयोगी शाहनिवास भी जुड़े हुए हैं। शाहनिवास का रुख करते हैं। शाहनिवास, बोकारो में तो प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां मुकम्मल है, सीटों पर दंगल आपसे चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले तैयारियां किस तरह दिख रही है कल होने वाले मतदान को लेकर? जी, मैं निरसा में हूँ और मैं अपने साथी संवाददाता राजेश के साथ हूँ और यहाँ पे मत पेटियों के ईवीएम के तमाम के डिस्ट्रीब्यूशन के सुबह से ही यहाँ पे इंतज़ाम थे। यहाँ निरसा पॉलिटेक्निक में सिंदरी और निरसा का डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर यहाँ पे चल रहा था और वहाँ पे लगभग 3 बजे तक तमाम पार्टियों की डिस्ट्रीब्यूशन और अपने अपने जगह पर रवानगी हो गई। और विशेषकर मैं बताऊं कि सिंदरी के 32 पोलिंग स्टेशनों को रात में 4 क्लस्टर में रुकने का निर्देश है और डबल लॉक्ड स्थान पर उनके ईवीएम को रात में सुरक्षित रखने के निर्देश दिए गए हैं। मैंने पूछा तो उसके बारे में बताया गया कि सिंदरी के कुछ इलाके नक्सल प्रभावित माने गए हैं, लिहाजा इसके लिए स्पेशल अरेंजमेंट किए गए हैं। बाकी रहा निरसा, तो निरसा में क्या पूरा का पूरा प्रोफाइल है, मैं आग्रह करूंगा अपने संवाददाता जो स्थानीय है संवाददाता हैं, आप बताइए कितने बूथ हैं और क्या क्या उसका प्रोफाइल है। देखिए, जो अभी निरसा की स्थिति है, निरसा में तकरीबन 426 बूथ बनाए गए हैं, माफ़ कीजिएगा 424 बूथ हैं यहाँ पर। और अगर बूथों की महिलाओं और पुरुष और वोटरों की बात करें तो लगभग 3,09,000 वोटर यहाँ पर हैं, जिसमें महिला और पुरुष हैं। अगर संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों की बात करें हम, तो तकरीबन 3 दर्जन बूथ ऐसे हैं जहां पे जिसको अति संवेदनशील बनाया गया है और लगभग 150 बूथ ऐसे हैं जहां जिसको संवेदनशील श्रेणी में रखा गया है। जहां पर अगर प्रशासनिक व्यवस्था चुस्त होगी, दुरुस्त होगी, संवेदनशील अति संवेदनशील जितने भी बूथ हैं उस पर मिलिट्री फोर्सों की तैनाती होगी, जहां पर किसी भी तरह से अगर कोई अप्रिय घटना घटती है या उससे बचने के लिए एहतियातन कदम उठाया जा सके, इसके लिए वहां पर व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। कई जगह पर मॉडल बूथ भी बनाए गए हैं, सखी बूथ भी बनाए गए हैं, ताकि महिला जहां पर सखी बूथ हैं वहां सिर्फ महिलाएँ जो पोलिंग एजेंट पोलिंग कर्मी होंगी वो महिला होंगी और
वहाँ पे तमाम सारी ऐसी सुविधाएं उपलब्ध होगी जो एक आदर्श बूथ में मौजूद होती है। जी राजेश, शहनाज यहाँ पर जंग कितनी दिलचस्प आप देख रहे हैं, क्या लेफ्ट के किले को यहाँ पर दूसरी कोई पार्टी भेद पाएगी, किस तरह की तैयारियां पार्टियों ने की हैं, जनता को कितना कन्विंस कर पाई है पार्टियां? देखिए, आपने जैसा खुद ही बताया कि सबसे कम 8 प्रत्याशी निरसा से हैं इस 15 सीटों के घमासान में जी। और निरसा में जो पिछले 3 बार से लगातार विधायक चुने जाते रहे, अरूप चटर्जी 4थी बार इस बार किस्मत आजमा रहे हैं, और 3 बार से मतलब 15 साल से लगातार उनके लाल झंडे का शासन रहा है। उनके पिताजी भी गुरुदास चटर्जी कभी यहाँ पर विधायक हुआ करते थे, और इस बार भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना कैंडिडेट बदला है, और अपर्णा सेन गुप्ता भी कभी फॉरवर्ड ब्लॉक से यहाँ विधायक चुनी गई थी और उनका मंत्री भी रही थी बिहार सरकार में, 2004-05 की बात है। मैं ये कल दिन भर निरसा में था, और मुख्य मुकाबले की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ट्रायंगलर फाइट मुझे दिखाई दे रही है इस बार, क्योंकि अशोक मंडल एक बार फिर JMM से यहाँ पर उम्मीदवार बनाए गए हैं, और उनके पक्ष में भी कल तेजस्वी यादव यहाँ पर आए थे, जोरदार चुनाव प्रचार और बड़ी सभा उन्होंने की थी जो महागठबंधन के तहत उन यहाँ पर उम्मीदवार हैं। अब रहा सवाल अरूप चटर्जी का, तो अरूप चटर्जी अपने पिता की लेगेसी को कायम रखते हुए यहाँ पर लाल झंडे का मान सम्मान और वर्चस्व कायम रखने में सफल साबित हुए हैं। कल ही उन्होंने एक रैली की थी चुनाव प्रचार समाप्ति से पहले, उसमें ऐतिहासिक भीड़ रही, और जिस GT रोड के किनारे मैं खड़ा हूँ इस वक्त, ये GT रोड लगभग 2-2.5 घंटे बिल्कुल जाम रहा था, इतनी भीड़ जमा हो गई थी, और काफ़ी पॉपुलर हैं और लोगों के बीच उठते बैठते मिलते जुलते सरल स्वभाव के यहाँ पे अरूप चटर्जी को माना जाता है, यही उनकी USP भी है। अब रहा सवाल अपर्णा सेन गुप्ता को BJP ने अपना उम्मीदवार बनाया है, जो यहाँ पे पहले भी विधायक और मंत्री रह चुकी हैं, और उन्होंने कई काम किए हैं तब के, जो उनको आज भी लोग उसके लिए नाम लेते हैं, उनका उसे उनकी ख्याति और श्रेय देते हैं, तो जाहिर है वो भी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं। कल यहाँ पर स्मृति ईरानी आई थी उनकी सभा में, और ठीक ठाक भीड़ हो गई थी, पहले तो नहीं दिखाई दे रही थी लेकिन सभा शुरू होते होते ठीक ठाक भीड़ जमा हो गई थी, तो ये थोड़ी सी चुनौती यहाँ पर अरूप चटर्जी को मिलती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ पर ज़मीन से जुड़े हुए लोग मानते हैं कि अरूप चटर्जी अभी तमाम उम्मीदवारों से आगे चल रहे हैं, लेकिन JMM के कैंडिडेट का भी दावा है कि उनको भी कोई कम करके ना आके, क्योंकि महागठबंधन के तहत ये चुनाव हो रहा है, और उनके पास महागठबंधन के तहत कई जो अवयव हैं उनके सपोर्ट में इस बार हैं, और इस बार वो भी मैदान मारने के मूड में हैं। तो फिलहाल 8 प्रत्याशी हैं, जिसमें 3 बिल्कुल एक दूसरे से बराबर की लड़ाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और नतीजा क्या होगा ये मतदाता ही तय करेंगे 16 तारीख को। जी चलिए शहनवाज बने रहिए हमारे साथ, राकेश भी जुड़े हुए हैं, चर्चा हमारी आगे भी जारी रहेगी। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे और तमाम उन सीटों पर चर्चा करेंगे जिनमें कल मतदान होना है।